हेलो बच्चों, आज हम एसिड बेसिस सॉल्ट का फोर्थ वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी और सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कि कौन सा सॉल्ट किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों, हम साथ साथ में काम कर रहे हैं अमोनिया पे, HCl पे, इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड वीडियो मांगा गया है, हाउसहोल्ड आप लोग बोल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि सारे वीडियोस आपके लिए निकालें क्योंकि हमें भी पता है आपका पेपर बगल में है, साथ में हमारे अपने इंस्टीट्यूट का भी वर्क रहता है तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो जाता है। मेरे पास अभी कोई टीम भी नहीं है, मैं अकेले ही वर्क कर रहा हूँ, तो कोशिश पूरी रहेगी जल्द से जल्द वीडियोज निकालें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियोज करने हैं, काफी चीजें करनी है, जल्द से जल्द करनी है। आज बात करते हैं सॉल्ट की प्रिपरेशन और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मेरे सारे टॉपर्स आपको बताएंगे कि किस तरह से बोर्ड में पढ़ाई करनी है 90% के लिए। पहले मैंने बता दिया, अब वो सब बताएंगे जिनके लास्ट ईयर 90 आए हुए हैं, किसी के साइंस में 90, किसी के मैथ्स में 90, किसी के कंप्यूटर में 90, किसी का ओवरऑल 90, मैक्सिमम के ओवरऑल 90 भी होते हैं, तो उन सबसे हम इंट्रोडक्टरी वीडियो डालेंगे चैनल पे एक या दो दिन में। बाकी हम मोटिवेशन के लिए भी आप लोग के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, हम चाहते हैं आप पूरे टाइम एकदम एनर्जी में पढ़ाई करो। आज बात करते हैं सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी और सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के बारे में। तो बच्चों, पहले सॉल्युबिलिटी की बात करना जरूरी है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बच्चों कुछ पॉइंट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर वन ये है कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आर सॉल्युबल। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट बनाओ, NaCl बनाओ, K2SO4 बनाओ, है ना, K2CO3 बनाओ, है ना, कुछ भी बनाओ, NH4Cl बनाओ, कुछ भी बनाओ, इनका कोई भी सॉल्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, NH4 whole twice, SO4 बनाओ, अमोनियम सल्फेट, कोई भी सॉल्ट में अगर सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम है, किसी भी सॉल्ट में सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम है तो वो सॉल्ट सॉल्युबल होता है बिना किसी कंडीशन के। अच्छा, इनके बाइकार्बोनेट थोड़े से कम सॉल्युबल होते हैं पार्शियली, बट सॉल्युबल वो भी है। सेकेंड पॉइंट, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। जितनी भी क्लोराइड हैं, सबकी सब क्या है, सॉल्युबल है। जैसे हमने ले लिया जिंक क्लोराइड, हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, हमने ले लिया कॉपर क्लोराइड, सबकी सब क्या होती हैं, सॉल्युबल। सभी क्लोराइड क्या है, सॉल्युबल है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन मतलब जो इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल कौन कौन है इसमें से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है लेड क्लोराइड, दूसरी है सिल्वर क्लोराइड और तीसरी है मर्क्यूरी क्लोराइड। इसमें से ये पेपर में बहुत पूछी जाती है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड, हमारी सारी क्लोराइड्स कैसी थी, सॉल्युबल, पर लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल। लेड क्लोराइड की खास बात यह है कि हॉट वाटर में सॉल्युबल होती है, वैसे तो ये इनसॉल्युबल है पर हॉट वाटर में डाल दें तो सॉल्युबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। सल्फेट्स क्या होते हैं बच्चों, ये वाले हैं SO4-2-, कैसे हैं, सॉल्युबल हैं। हमने ले लिया फेरस का सल्फेट, है ना, हमने ले लिया कॉपर का सल्फेट, ठीक है, हमने ले लिया किसी का भी सल्फेट ले लिया, सोडियम सल्फेट, सल्फेट किसी का भी हो कैसा होगा, सॉल्युबल। इसमें भी एक दो एक्सेप्शन आपको याद करने हैं, मतलब जो इनसॉल्युबल है, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है आपका लेड सल्फेट। तो बच्चों आसान है, लेड की क्लोराइड भी एक्सेप्शन है, लेड का सल्फेट भी एक्सेप्शन है, और है बेरियम सल्फेट, और है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice, और कैल्शियम सल्फेट भी पार्शली इनसॉल्युबल है। तो ये हमारे एक्सेप्शन हो गए किसके, सल्फेट के, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, उसमें एक्सेप्शन क्या है, क्या लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। चौथा पॉइंट, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। जितने भी नाइट्रेट हैं या जितनी भी नाइट्राइट हैं, नाइट्राइट मतलब NO2-, नाइट्रेट मतलब NO3-, जितने भी नाइट्रेट या नाइट्राइट हैं, सब की सब कैसी हैं, सॉल्युबल हैं, सब की सब सॉल्युबल हैं। इनमें एक्सेप्शन क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही बात है कि नो एक्सेप्शन,
मतलब जिंक नाइट्रेट हो, लेड नाइट्रेट हो, बेरियम नाइट्रेट हो, कैल्शियम नाइट्रेट हो, सोडियम नाइट्रेट हो, कॉपर, किसी का भी नाइट्रेट हो, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो पहले तो ये चार पॉइंट रटने पड़ेंगे। पहला ये है कि सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम का कोई भी सॉल्ट बनाएंगे तो सॉल्युबल होगा, ये याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आगे कोई पॉइंट इस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ नजर आया तो वो पॉइंट गलत होगा, ये नहीं, ये पॉइंट हर जगह सही होगा। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आर सॉल्युबल। फिर है ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं? लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड। फिर आया ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, कोई भी सल्फेट बना लो सॉल्युबल। एक्सेप्शन क्या है? फिर से लेड की क्लोराइड भी थी, लेड का सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। इसमें ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, मैं साथ में बताता चलूंगा क्या ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। फिर आया ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, लेड। जैसे मैं पूछूं PbNO3 होल ट्वाइस सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, लेड की क्लोराइड कैसी है? इनसॉल्युबल, सल्फेट इनसॉल्युबल, पर नाइट्रेट सॉल्युबल, नो एक्सेप्शन। सभी के सभी नाइट्रेट क्या है? सॉल्युबल है, बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, ये चार पॉइंट हो गया। बच्चों पांचवा पॉइंट मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, ऑल कार्बोनेट्स कॉमा बाइकार्बोनेट्स कॉमा सल्फाइड कॉमा सल्फाइड आर इनसॉल्युबल। जैसे मैं बोलूं जिंक कार्बोनेट कैसा होगा? इनसॉल्युबल। जितने भी कार्बोनेट हैं इनसॉल्युबल हैं। पहला पॉइंट है इनसॉल्युबल का, ये सॉल्युबल 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 सॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल कौन कौन होते हैं? पहले सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सभी सॉल्ट सॉल्युबल। सेकेंड पॉइंट, क्लोराइड सारी सॉल्युबल, दो तीन एक्सेप्शन। सल्फेट भी सारे के सारे सॉल्युबल, दो तीन एक्सेप्शन। नाइट्रेट तो सारे के सारे सॉल्युबल, बट कार्बोनेट सारे के सारे इनसॉल्युबल। जैसे जिंक कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जैसे सल्फाइड है, जैसे जिंक सल्फाइड, जैसे फेरस सल्फाइड, है ना, सल्फाइड हो गई, सल्फाइट हो गया, सल्फाइट SO3 टू माइनस, बाई कार्बोनेट हो गया HCO3 माइनस वन। जैसे मान लो हमने ले लिया फेरस बाई कार्बोनेट FeHCO3, है ना, होल टॉइस। ये सब के सब कैसे होंगे? इनसॉल्युबल। क्या इसका कोई एक्सेप्शन होगा? सोचिए आराम से, मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, आप बताइएगा उसके बारे में। K2CO3 ये क्या है? एक कार्बोनेट है। तो आपने बोला ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, पर साथ साथ में किसका सॉल्ट है? पोटेशियम का। और पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आर सॉल्युबल, सो दिस विल बी सॉल्युबल। यही समझा रहा हूं दैट दिस पॉइंट विल डोमिनेट, यानी सारे कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सल्फाइड, बाई सल्फाइड इनसॉल्युबल हैं, पर इनमें से वो हटा दो सॉल्ट्स जो किससे बने हैं? सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम। जैसे हम बोले आपसे Na2S है क्या? ये एक सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड क्या होनी चाहिए थी? इनसॉल्युबल, पर ये बना किससे है? सोडियम से। तो ये डोमिनेट करेगा पहला पॉइंट। ठीक है, बस इन पॉइंट्स को लिख ले और याद कर ले, तैयार होगी सॉल्युबिलिटी, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसको पकड़ के अच्छे से तैयार कर लें। यहां पे एक कैल्शियम सल्फेट भी लिख लें, है ना, बस हो गया, पकड़ के इसको याद कर लें, लिख ले भाई सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सभी सॉल्ट सॉल्युबल, सारी क्लोराइड भी सॉल्युबल, एक्सेप्शन लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड। दिमाग में रिवाइज करें, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सभी सॉल्ट सॉल्युबल, क्लोराइड सारी सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड, सिल्वर, मर्करी। सल्फेट भी करीब करीब सारे सॉल्युबल, एक्सेप्शन लेड, बेरियम, एल्युमिनियम और एक कैल्शियम भी बाद में बताया। नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स सारी सॉल्युबल, कोई एक्सेप्शन नहीं। मैं बोलूं कि आप मुझे जिंक का कोई एक सॉल्युबल सॉल्ट दो तो बिना सोचे नाइट्रेट बना दो, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। फिर पांचवा पॉइंट क्या आया? कि जितने भी कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, सल्फाइड है, बाइसल्फाइड है, ये सब के सब इनसॉल्युबल। जिंक सल्फाइड इनसॉल्युबल, फेरस सल्फाइड इनसॉल्युबल, कॉपर सल्फाइड इनसॉल्युबल,
हाँ, पर अगर सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट किससे बन गए? सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम से, तो सॉल्युबल। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो सॉल्युबल होगा, कोई भी सॉल्ट हो सॉल्युबल, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का। ठीक है भाई, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की, जिसका आप वेट कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहले बात करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट की। अब मेरी एक बात सुनो, अगले 15-15 मिनट में जो भी पढ़ाऊंगा वो इतना यूजफुल हो ना हो, मतलब समझना तो जरूरी है, पर उसके बाद में जो आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब आप क्या करते हो कि यहां तक वीडियो देखते हो, सोचते हो समझ में आ गया, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा टॉपिक पढ़ रखा है तो ऐसा करो कि 15 मिनट आगे चले जाओ, वहां से स्टार्ट करो जहां पे क्वेश्चंस हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं पढ़ा रहा हूं जिसने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है? क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज समझ में आएगी, कितनी भी थ्योरी पढ़ा दो इतना मजा नहीं आएगा, पढ़ना भी, जिसने नहीं पढ़ा उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट की। तो बच्चों, सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एक नाम और है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट सिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट बनता है वो एलिमेंट से बनता है। इसका फेमस एग्जांपल है Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3। यहां पे दो, यहां पे तीन, तो यहां पे तीन लगा लिया, यहां पे दो लग दिया। ये आयरन की कौन सी क्लोराइड है? आयरन थर्ड क्लोराइड है कि नहीं? आयरन की तीन वैलेंसी वाली क्लोराइड है। तो FeCl3 किससे बनता है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस से बनता है। ये बहुत पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल है पर वो पूछा नहीं जाता, NaCl भी बनता है सिंथेसिस से। दूसरा मेथड है बच्चों सिंपल डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक सॉल्ट को बनाने के 1000 तरीके हैं, पर एप्रोप्रिएट तरीका एक दो ही होगा, है ना, जो मोस्ट प्रेफरेबल है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देते हैं, जिंक का रिएक्शन करा दिया H2SO4 डाइल्यूट से, क्या होगा? बनेगा ZnSO4 प्लस H2, बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे आयरन का रिएक्शन करा लिया H2SO4 डाइल्यूट से, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन ऐसे क्यों हो रहे? क्योंकि जिंक और आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं। जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए होते हैं वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जैसे मान लो मैं रिएक्शन लिखूं जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, तो रिएक्शन होगा कि नहीं? हाँ होगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर रखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। जैसे हम पूछें Fe प्लस डाइल्यूट HCl, तो रिएक्शन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो एक चीज देखो, FeCl2 जब बनाना है तो यूज करते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट, और FeCl3 जब बनाना है तो यूज करते हैं सिंथेसिस। क्या समझा रहे हैं हम आपको ये समझा रहे हैं कि वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए होते हैं सीरीज में, वो हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देते हैं, किसमें से? डाइल्यूट एसिड्स में से। नाइट्रेट इस तरह से नहीं बनाए जा सकते। जैसे अगर आपसे हम पूछ लें जिंक नाइट्रेट है हमारे पास ZnNO3 होल ट्वाइस, तो वो ऐसे नहीं बना सकते, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, दिस इज नॉट अ गुड मेथड। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मारना पड़ेगा, बट अदरवाइज इसको हम नहीं यूज करते। तो बेसिकली यहां से ये पूछा जाता है और ये बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछेगा जिंक सल्फेट कैसे बनाया, ऐसे आयरन सल्फेट कैसे बनाया, ऐसे किससे? सिंपल डिस्प्लेसमेंट से। जैसे हम आपसे पूछें क्या ये किया जा सकता है कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या कॉपर सल्फेट बनेगा और क्या हाइड्रोजन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, तो जो नीचे रखा है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता। H के बाद कॉपर आता है ना, जिंक आयरन वगैरह सब ऊपर होते हैं, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कॉपर के लिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कॉपर में यहां पे लिखा होता है कंसेंट्रेटेड, तब पॉसिबल होता है, डाइल्यूट में पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, कॉपर के लिए भी ये मेथड नहीं है। तो ये मैंने 2-3 सॉल्ट के लिए मेथड समझाया आपको। अच्छा, दो मेथड हुए, और कौन सा मेथड है? अगला मेथड है डीकंपोजिशन। नेक्स्ट मेथड इज
डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन से कौन से सॉल्ट बनते हैं? मान लो कभी ये सॉल्ट दिख गया NaHCO3, या ये दिख गया NaHSO4, स्पेशली ये वाला, या ये दिख गया KHSO4। ऐसे सॉल्ट अगर दिख गए तो सीधा आंसर मार देना डीकंपोजिशन। जैसे मान लो ये दिख गया Na2CO3, जैसे मान लो ये दिख गया ZnCO3। ऐसे सॉल्ट अगर दिख जाए तो आप डीकंपोजिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, है ना, साथ में बताता चल रहा। ये मिल गया, इसके लिए तो डीकंपोजिशन की तरफ ही जाना होगा, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। खैर, डीकंपोजिशन में करते क्या है? जैसे मान लो हमने ले लिया NaCl और रिएक्शन करा दिया H2SO4 कंसेंट्रेटेड से, और टेम्परेचर कर लिया 200 डिग्री से कम। 200 डिग्री से कम में यह होता है कि H2SO4 सिर्फ एक हाइड्रोजन लूज करता है। यहां से एक हाइड्रोजन बाहर गया और सोडियम अंदर आ गया, तो बनेगा NaHSO4। एक हाइड्रोजन बाहर जाके Cl से कंबाइन कर गया, बन गया HCl। तो हम बोलते हैं ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस सॉल्ट को बनाने का तरीका होता है डीकंपोजिशन। किसका डीकंपोजिशन? NaCl का। किसने किया? एसिड। तो डीकंपोजिशन बाय एसिड। किसने किया डीकंपोजिशन? किसने किया? एसिड ने किया। जैसे हम आपसे बोले KNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और टेम्परेचर कर दिया बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। यहां से H निकला, K अंदर आ गया, KHSO4 प्लस HNO3, ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस टाइप के सॉल्ट अगर दिखें, मतलब कौन से एसिड सॉल्ट वगैरह दिखें, तो समझ जाना मेथड क्या मारना है, डीकंपोजिशन बाई एसिड। जब भी इस टाइप का कोई सॉल्ट दिखे तो डीकंपोजिशन बाई एसिड। बहुत बढ़िया। अब मान लो दो मेथड और होते हैं, या एक ही मेथड के अंदर उसको पढ़ाता हूं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मान लो मैं दो रिएक्शन लिखूंगा, H2SO4 प्लस ZnOH होल ट्वाइस, और दूसरा लिख रहा हूं H2SO4 प्लस NaOH। एक और लिख लेता हूं, HCl प्लस FeOH होल ट्वाइस। सब एसिड बेस के रिएक्शन है। यहां पे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4। यहां पे क्या बनेगा? Na2SO4। और यहां पे क्या बनेगा? FeCl2। ठीक है, तीनों रिएक्शन लिख दिए। तीनों किसके एग्जांपल है? न्यूट्रलाइजेशन के। अगर न्यूट्रलाइजेशन के अंदर जो बेस यूज हुआ है वो बेस एल्कली है तो उस मेथड का नाम पड़ जाता है टाइट्रेशन। एग्जाम में क्या करता है, दो दो ऑप्शन दे देता है कि बताओ न्यूट्रलाइजेशन है कि टाइट्रेशन है। तो अगर बेस एल्कली हो, एल्कली कौन होते हैं? जो सॉल्युबल होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल बेस। तो एल्कली कौन कौन होता है याद कर लो, याद होगा ही, NaOH, KOH या NH4OH। अगर ये मिलते हैं NaOH, NH4OH या KOH, जैसे ये वाला, ये पर्टिकुलर सॉल्ट किससे बनेगा? टाइट्रेशन से। देखने में लग रहा है न्यूट्रलाइजेशन है, अगर ऑप्शन टाइट्रेशन का नहीं होगा तो मारना न्यूट्रलाइजेशन पड़ेगा, पर अगर टाइट्रेशन भी ऑप्शन है तो टाइट्रेशन। तो अगर बेस वाटर सॉल्युबल है या एल्कली है बेस हमारा, NaOH, KOH, NH4OH, तो किधर चले जाओगे? टाइट्रेशन। तो ये डिफरेंस हो गया न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन का। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारे पास एक सॉल्ट ये है K2CO3, और एक सॉल्ट हमारे पास ये है ZnCO3, या मान लो एक सॉल्ट हमारे पास है KCl और एक सॉल्ट है ZnCl2। अब बोला कौन सा टाइट्रेशन से बनेगा और कौन सा न्यूट्रलाइजेशन से, तो इन दोनों में से देखो, ये आया होगा KOH से, ये आया होगा ZnOH होल ट्वाइस से। तो सॉल्युबल बेस कौन सा है, एल्कली कौन सा है? ये
तो जिसमें एल्कली दिख जाए जिसके अंदर, उसको मिला देना किससे? टाइट्रेशन से, और इसको न्यूट्रलाइजेशन। अगर टाइट्रेशन का ऑप्शन नहीं हो तो दोनों के लिए न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट की। इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट में पहला मेथड होता है वही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। जैसे Fe प्लस एस फेरस सल्फाइड, Zn प्लस एस जिंक सल्फाइड। ऑल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ये सब क्या थे? क्या थे हमारे? इनसॉल्युबल, तो बन गए। ठीक है, दूसरा मेथड बच्चों अगर नहीं मिले तो आंसर मार देना प्रेसिपिटेशन। इसके लिए एक वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा प्रेसिपिटेशन समझाने के लिए कैसे रिएक्शन होता है, या इसका नाम होता है डबल डीकम्पोजिशन। तो तुम क्वेश्चन में चेक करना कि क्या कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट दिया है, अगर वो इनसॉल्युबल सॉल्ट इन दोनों में से होता है तो मार दो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इनके सिवा कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो आंसर सीधा प्रेसिपिटेशन या डबल डीकम्पोजिशन। जैसे मान लो ये आ गया PbCl2, All chlorides are soluble. Exception क्या था? Lead chloride. अब lead chloride insoluble हुआ, क्योंकि सारी chloride soluble हैं, exception में lead chloride है। तो इन दोनों, इनसे मैं तो इस method से तो बन नहीं रहा lead chloride. तो definitely किससे बनेगा? Precipitation या double decomposition. जैसे barium sulphate, all sulphates were soluble. Exception में कौन था? Lead sulphate, barium sulphate था कि नहीं? तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, इससे तो बन नहीं रहा, तो किससे बनेगा? प्रेसिपिटेशन या डबल डीकंपोजिशन। तो ये तो प्रैक्टिस हुई, अब आए वो क्वेश्चंस जिसके लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है, जो बोर्ड में आ रहे हैं चार चार नंबर के, पांच पांच नंबर के। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके जो आ रहे हैं सेम बोर्ड में, सवाल उठा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वीडियो का, यहीं से आपका वीडियो असली स्टार्ट हुआ है क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। तो पहले ये वाला वीडियो ले लेते हैं। हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं वो इधर दिए हुए हैं। सॉल्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, दूसरा सॉल्ट है आयरन थर्ड क्लोराइड FeCl3, तीसरा सॉल्ट है लेड क्लोराइड PbCl2, चौथा सॉल्ट है जिंक सल्फेट ZnSO4, पांचवा सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इनको मैच कराना है कुछ मेथड से। मेथड है हमारे पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा मेथड है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा मेथड है हमारे पास डीकंपोजिशन बाय एसिड, अगला मेथड है हमारे पास डबल डीकंपोजिशन, और ये थर्ड डी, और ऑप्शन ई है हमारे पास डायरेक्ट सिंथेसिस। ठीक है, चलिए देखिए इनको मैच कराना है आपको, मिलाइए किस कौन सा किससे मिलेगा, दिमाग लगाइए फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए मैं 30 सेकंड देता हूं आपको, दिमाग लगाइए, यही करेंगे तभी आएगा एग्जाम में। चलिए आइए, लगाया दिमाग थोड़ा बहुत, कैसे करना है सिखाया जाए आपको। देखिए मेरा क्या कहना है, सबसे पहले इनसॉल्युबल सॉल्ट ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो? इनसॉल्युबल, क्योंकि इनसॉल्युबल में दो ही मेथड थे, एक डायरेक्ट सिंथेसिस, दूसरा प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं डबल डीकंपोजिशन। NaNO3 कैसा होगा? सॉल्युबल। क्यों सॉल्युबल होगा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सभी सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, पढ़ा है कि नहीं, है ना? ये अलग कैसा होगा? सॉल्युबल, क्योंकि सोडियम के पोटेशियम के अमोनियम के सभी सॉल्ट सॉल्युबल। FeCl3 ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, छोड़ दो। PbCl2 All chlorides are soluble except lead chloride. ये कैसा है? Insoluble. सबसे पहले insoluble ढूंढा करो।
इनसॉल्युबल का मेथड ये रहा डबल डीकंपोजिशन, जिसको क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्शन में रहा लेड क्लोराइड. और इनसॉल्युबल सॉल्ट का एक ही तरीका है प्रेसिपिटेशन या डबल डीकंपोजिशन, कभी कभी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है. तो इसका ऑप्शन हो गया डी. अब डी को कैंसिल हटाओ भाई, खत्म करो. अब FeCl3 ध्यान से देखो, ये बड़ा फेमस है, याद रहना चाहिए. Fe plus Cl2 gives FeCl3. ऐसे ही बनता है हमेशा, मतलब किससे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस FeCl3 सबसे पहला सॉल्ट पढ़ाया था अभी, मिला ये रहा. तो FeCl3 के लिए हो गया ऑप्शन ई, तो ये भी कैंसिल. ओके, ये भी गया, बहुत बढ़िया. अब बाकी से ऑप्शन ध्यान से देखना है. ये देखो, ये मैंने पढ़ाया था NaHSO4. ये सब सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? लिया होगा NaCl, रिएक्शन कराया होगा H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से, टेम्परेचर रखा होगा बिलो 200, जिसमें एक ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा. एक ही हाइड्रोजन बाहर तो NaHSO4, और क्या बनेगा? HCl बन गया. तो हमने इसका क्या कराया है? हमने इसका कराया है डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन वो भी किसने किया? किसने किया इसका डीकम्पोजिशन? एसिड ने. तो इस टाइप के सॉल्ट का एक ही आंसर है डीकम्पोजिशन बाई एसिड. तो इसके लिए ऑप्शन सी मैच कर गया, ऑप्शन सी भी कैंसिल, बहुत बढ़िया, ये भी गया. फिर क्या बचा? अब दो बचे, जिंक सल्फेट NaNO3, और ऑप्शन क्या क्या है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन. जिंक सल्फेट याद आ रहा है, जिंक सल्फेट का मेथड क्या सिखाया था? जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. जिंक ने इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, यानी ये किससे बना है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन ए. अब बचा क्या? NaNO3, और ऑप्शन क्या बचा? न्यूट्रलाइजेशन. तो NaNO3 बना होगा बी से, मतलब कुछ भी ले सकते हैं. NaOH ले लिया बेस, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? बेस प्लस एसिड. एसिड ले लेंगे कौन सा? HNO3. बेस होगा NaOH, एसिड होगा HNO3. क्या बनेगा? NaNO3, और क्या बनेगा? H2O. अब देखो, एसिड और बेस का रिएक्शन क्या नाम होगा? न्यूट्रलाइजेशन. कई लोग के दिमाग में है इसका नाम टाइट्रेशन करें, क्योंकि बेस अल्कली है. पर बच्चों, जब टाइट्रेशन ऑप्शन है ही नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन मार दो, टाइट्रेशन उसके अंदर का एक पार्ट है. ऑल्दो टाइट्रेशन पूरा एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, बट अभी के लिए इतना समझो कि अगर ये अल्कली हो और ऑप्शन में टाइट्रेशन होता तो टाइट्रेशन मारते. ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है. सबसे पहले इनसॉल्युबल सॉल्ट को हटाया करो, उसका तरीका प्रेसिपिटेशन है, ठीक है. और क्वेश्चन करते हैं, इसके जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ही टॉपिक तैयार होगा, और थ्योरी पढ़ के एग्जाम में चले जाओगे तो मुंह देखते रह जाओगे पेपर में, पेपर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अपने आप, समझ में. चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल. चलो भाई, अगला एग्जाम्पल है. ऑप्शन वन है सोडियम सल्फेट Na2SO4, दूसरा है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, तीसरा है कॉपर 2 सल्फेट यानी CuSO4, चौथा है आयरन 2 सल्फेट यानी FeSO4, पांचवा है नहीं, पांचवा नहीं है, एक दो तीन चार ही है. ठीक नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन लेते हैं. पहला है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तीसरा है आयरन थर्ड क्लोराइड FeCl3, चौथा है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, पांचवा है जिंक सल्फेट ZnSO4. ऑप्शन क्या क्या है इस बार? पहला है मेटल प्लस एसिड, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनेट प्लस एसिड, तीसरा है प्रेसिपिटेशन, जिसका एक और नाम दिया है डबल डीकंपोजिशन. अगला ऑप्शन है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, अगला ऑप्शन है टाइट्रेशन. चलिए एक बार देखिए कैसे करेंगे, सोचिए.
सोचिए 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 सोचिए। तो सबसे पहले इनमें से क्या ढूंढना होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सॉल्युबल, छोड़ दो। कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। मिल गया, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का दो ही मेथड है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या प्रेसिपिटेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में फेरस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड दो ही पड़े थे, यानी इसका मेथड कौन सा होगा, प्रेसिपिटेशन। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन या डबल डिकम्पोजिशन। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। FeCl3 अभी पढ़ा था, FeCl3 Fe plus Cl2 से क्या बनता है, FeCl3। कौन सा प्रोसेस है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट सिंथेसिस, ये रहा ऑप्शन डी, गया ये भी। फिर इसको छोड़ दो, थोड़ी देर में देखते हैं। जिंक सल्फेट याद आ गया होगा, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। अब आप समझ गए मैं क्यों कह रहा था क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन करके ही पता चलता है कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे। इसको छोड़ के इसको कर लिया, क्योंकि इसका मेथड याद है अपने को। ये कौन सा मेथड है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, जिंक अंदर चला गया, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेथड है, डिस्प्लेसमेंट। टाइट्रेशन नहीं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ देखो, इस बार ऐसे नाम दिया है, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड। असल में क्या बोलना चाहते थे, बोलना चाहते थे डिस्प्लेसमेंट, छुपा के नाम लिखा मेटल प्लस एसिड। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए भी मर गया। अब क्या क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, और ऑप्शन क्या क्या बचा है, एक बचा है कार्बोनेट प्लस एसिड, और ये तो गया, और टाइट्रेशन। दो ऑप्शन बचे अपने पास। अब बच्चों टाइट्रेशन कहां पे लगता है, जिसमें अल्कली दिखे, जिसमें क्या दिखे, अल्कली दिखे। बच्चों NH4 होल ट्वाइस SO4 किससे बना होगा, NH4OH से। हाँ हाँ, NH4OH क्या होता है बच्चों, अल्कली होता है। KOH होता है अल्कली, NaOH और NH4OH। और क्या बचा है, ये किससे बना होगा, PbOH होल ट्वाइस। ये क्या अल्कली होता है, ये अल्कली नहीं। तो टाइट्रेशन के लिए ये गया। अब फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन बचा, बी। तो डेफिनेटली बी पे मार देंगे। बोलिए आया, ऐसे धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। चलिए एक आप ही क्वेश्चन देते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको कराने बहुत जरूरी थे इस टॉपिक पे, वरना मजा नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट नंबर वन CuCl2, सॉल्ट नंबर टू FeCl2, सॉल्ट नंबर थ्री FeCl3। वाह 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 वाह, FeCl2 भी है, FeCl3 भी है। PbCl2, PbCl2 तो सब पहचान गए हैं, इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेशन। सॉल्ट नंबर फाइव NaCl। इधर ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन, या डबल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन डी एसिड प्लस मेटल, ऑप्शन ई एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड और कार्बोनेट। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिए और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। करेक्ट जो कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू।